मॉर्निंग एवरीवन, आज अभी 9 बज रहे हैं और हम लोग निकल गए हैं पीहू के स्कूल जाने के लिए। आज है पीहू के स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग, फर्स्ट पेरेंट्स मीटिंग है। सो देखते हैं क्या होता है। पीहू 15-20 दिन हो चुके हैं स्कूल जाते, तो क्या क्या किया पीहू ने, कैसे किया, वो सारी बातें पीहू की आज बताई जाएंगी। पीहू बैठी हैं पीछे आराम से, वो खेल रही हैं, बैठी हुई है। एंड अभी थोड़ा सा यहाँ पे ट्रैफिक आ गया है। यहाँ पे बारिश हो रही है एंड हवा भी अच्छी चल रही है। देखो सारे जो ट्री है ये सब एकदम बढ़िया, और मैं आईफोन से ही शूट कर रही हूँ फिर से। फर्स्ट व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा उसके लिए थैंक यू। सो गाइस, पेरेंट्स मीटिंग तो हो गई है और अभी बज गए हैं 12:30। बहुत टाइम लग गया और जो बहुत सारी बातें मुझे पूछनी थी मैंने पूछ ली, उन्होंने सारी बातें बताई। आरोही जो है वो ठीक कर रही है, अभी जितना भी उसने किया है इतने दिनों में वो सब अच्छा कर रही है क्लास में, क्योंकि फर्स्ट टाइम है ना उसका अभी स्कूल, तो कभी बड़े में गई नहीं है। मतलब UKG गई थी जब बहुत छोटी थी, नहीं प्ले ग्रुप गई थी। और अभी बहुत देर हो गई है, सुबह हम लोगों ने केवल चाय ब्रेड खा ली थी मैंने, और अब जाते हैं लंच की तैयारी करते हैं। एंड शाम को घर पे कुछ गेस्ट भी आने वाले हैं, वर्मा जी के कोई फ्रेंड है तो वो भी आने वाले हैं, तो उसकी भी प्रिपरेशन वगैरह मुझे करनी है। ओके गाइज, तो हम लोग घर आ गए थे, उसके बाद फिर हम लोगों ने लंच वगैरह भी कर लिया था। आके मैंने फटाफट से लंच बनाया और वो सब खाने के बाद थोड़ी देर रेस्ट भी किया, पीहू का थोड़ा सा वर्क कराया। उसके बाद मैं यहाँ पे शाम के टाइम आ गई हूँ किचन में, अभी 4 बज रहे हैं और मैं यहाँ पे बनाने जा रही हूँ डिनर। आज मैं बनाने जा रही हूँ कढ़ाई पनीर एंड राजमा, और बाकी जीरा राइस, चपाती, पराठे वगैरह, जो भी रायता, चटनी, सलाद, ये सारी चीज़ें रहने वाली हैं डिनर में। मैंने आपको बताया था ना कि शाम को हमारे यहाँ गेस्ट आने वाले हैं, सो वर्मा जी के ऑफिस से कुछ उनके फ्रेंड्स आने वाले थे, सो वही है, और एक फैमिली है, वो हस्बैंड वाइफ और उनकी बेटी, वही आ रहे हैं। सो मैं यहाँ पे सब्जी बनाने की तैयारी कर रही हूँ, फ़ोन मैंने सेट कर दिया है ट्राईपॉड पे एंड मैं यहाँ पे फटाफट से सब्जी बना लूँगी। आप लोग को पता है मैं किस तरह से बनाती हूँ, थोड़े से ऑयल में मैं खड़े मसाले ऐसे करके डाल देती हूँ, उसके बाद टमाटर, प्याज एंड कुछ ड्राई फ्रूट्स जैसे कि काजू, बादाम, मूँगफली एंड मगजदाना डालती हूँ। बट आज मेरे घर पर कुछ भी नहीं था, केवल बादाम एंड मूँगफली ही थी ड्राई फ्रूट्स में, सो वो सब मैंने भिगो दिया था आने के बाद ही, मूंगफली एंड बादाम। तो बादाम जब मैंने भिगोया तो थोड़ी देर बाद वो रखे रखे देखा तो वो गायब हो गए, उसमें से केवल 2-3 बादाम ही बचे थे। पीहू आई, वो एक उठा ली, फिर वर्मा जी आए, वो 1-2 उठा लिए, इस तरह से करते करते उसमें बहुत कम बादाम बचे हुए थे। सो कोई बात नहीं, अभी यहाँ पे मैंने देखिए टमाटर प्याज को फाइन, मतलब इतना फाइन चॉप करने की ज़रूरत नहीं, इस तरह से काट करके मैंने डाल दिया है और हल्का सा उसको भून लेंगे। थोड़ा सा नमक मैंने ऊपर से डाल दिया था एंड ये मूंगफली एंड बादाम, वो देखिए आपको दिख रहा होगा ना, 1-2 ही बादाम बचा था, बाकी सब ख़त्म हो गया था। सो कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, जो भी है उसमें हमको अच्छी टेस्टी सब्जी बनानी है। एंड जब ये हल्का सा ना सेलो फ्राई हो जाएगा तो फिर उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके ढक करके रख दूँगी एंड फिर जब वो ठंडा हो जाएगा तो फिर हमें इसको एकदम अच्छा मिक्सी में पीस लेना होगा ग्रेवी के लिए, तो यही हमारी ग्रेवी हो जाएगी। यहाँ पे कुछ सामान मैंने जैप्टो से मंगवाया था क्योंकि गेस्ट आ रहे हैं, तो कुछ स्नैक्स वगैरह भी चाहिए था और ब्रेड भी घर पे ख़त्म हो रही थी, तो इसलिए मैंने ये ब्रेड मंगाया था। आज मैं ब्रेड से कुछ ना बहुत एक इजी तरीके का मिनी पिज़्ज़ा टाइप्स बनाऊंगी OTG में ही, तो उसके लिए मैंने ब्रेड मंगाया है। ये देखिए ये सारा सामान है जो कि मैंने मंगाया, ये कुछ फ्रोजन वो नहीं होते हैं मटर वगैरह एंड जो चीज़ पोटैटो चीज़ होते हैं वो सारी चीज़ें कि एक मतलब एक प्लेट हो जाएगी फ्राई करके रख दो। तो इधर मैंने चीज़ भी मंगवाया है, वही मैंने बताया ना मिनी पिज़्ज़ा बनाने के लिए, एंड लेज़ वगैरह भी मंगवा लिया था।
सो ये सारा चीज़ है। अब मैं इसको थोड़ा सा वॉश कर दूँगी क्योंकि अभी फिर से डर लगता है ना कोरोना वायरस का, इसीलिए सो मैं यहाँ पे सब कुछ ऐसे ही पानी से वॉश करके एक साइड में रखती जाऊँगी। देन मैं फिर इसको फ्रीज में डालूँगी क्योंकि बाहर का आया हुआ है इसीलिए। एंड मेरी सब्ज़ी भी यहाँ पे देखिए पक रही है, गैस मैं अभी ऑफ़ कर दूँगी, जब वो ठंडा हो जाएगा देन मैं उसको मिक्सर में पीस लूँगी। थोड़ा सा किचन मैसी था, वो सब मैं क्लीन कर रही थी, साथ ही साथ मैं यहाँ पे चावल भी निकाल करके भिगो दूंगी क्योंकि भीगे हुए चावल में ना बस मैं सिर्फ एक सीटी लगाती हूँ और फटाक से मेरा जो चावल है वो बन जाता है। तो चावल को अच्छे से वॉश कर लूँगी, देन इसको मैं भिगो करके दो गुने पानी में रख दूँगी। हमेशा मैं दो गुना ही चावल में पानी डालती हूँ, मेरे मम्मी ने मेरे को मतलब मदर इन लॉ ने बताया था ऐसा करने को, सो बहुत अच्छे चावल बनते हैं इसीलिए मैं इसको भिगो के रख देती हूँ। और ये कुछ बर्तन वगैरह है ना, ये कप वगैरह, ये सब भी मैं यहाँ पर क्लीन करके हटा दूँगी जिससे कि थोड़ा सा किचन भी क्लीन लगेगा, जो भी आएगा वो अगर देखता है तो फिर अच्छा नहीं लगता है ना इसीलिए। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर दो गुना पानी जो है वो मिक्स करके वॉश करके अच्छे से को रख दिया है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। ब्लॉग में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ कुछ डिस्कस करना चाहती थी, एक्चुअली मैं कुछ आपसे पूछना चाहती थी, बात करना चाहती थी। जैसा कि आपने देखा मैं पीहू के कल स्कूल गई थी, तो वहाँ पे मतलब मुझे पीहू को जैसे कुछ अभी पीहू नया नया स्कूल जाती है, ठीक है, स्टार्टिंग ही है उसकी, तो जो बच्चे लोग हैं ना वो पीहू को परेशान करते हैं, लाइक उसका बॉटल ले लेना है, उसको इधर उधर बॉटल से लेके मैं बॉटल नहीं दूंगा तुम्हारी नहीं दूंगी, या फिर उसकी बैग ले लेंगे और बोलेंगे आज तुम घर मत जाना। तो मतलब बच्चे लोग शायद प्ले करते होंगे बट उसको ऐसा लगता है कि वो खेल रहे हैं, मतलब उसको परेशान कर रहे हैं। तो ऐसे ही मैं थोड़ा सा वरीड हो रही थी कि पता नहीं पीहू को मतलब उसको ऐसे लोग परेशान कर रहे हैं बच्चे, तो छोटे से बच्चे को क्यों परेशान करना अगर वो परेशान हो रही है। कुछ बच्चे खुश भी होते होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन पीहू बहुत परेशान हो रही थी। फिर उसने ना स्टार्टिंग में वो फर्स्ट डे बहुत अच्छे से स्कूल गई, आप लोगों ने देखा होगा अगर पहला व्लॉग जो मैंने पीहू का डाला था, बहुत खुश खुश गई। तो आप लोग पूछ रहे थे कि पीहू स्कूल कैसे जाती है, कैसे मतलब उसको अच्छा लगता है क्या, इसीलिए मुझे लगा कि मैं आप लोगों से बात करती हूँ, डिस्कस करती हूँ कि मेरी बेटी को लोग परेशान कर रहे हैं जब वो जाती है रास्ते में उसको, तो लोग उसको परेशान करते हैं, तो क्यों मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, मतलब क्यों उसे परेशान कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा था। पता नहीं ना कुछ कुछ बातें ऐसी चल रही हैं उसके जब वो जाती है कि उसको एक लड़की परेशान करती है, दूसरी लड़की उसको प्रोटेक्ट करती है, तो पहली लड़की कहती है तुम दूसरे से बात मत करो। मैं यहाँ किसी का नाम नहीं ले रही हूँ क्योंकि मेरे व्लॉग्स बहुत सारे लोग देखते हैं, सो उनको हर्ट हो ऐसा मैं कुछ नहीं चाहती, लेकिन मतलब एक मानो एक फर्स्ट और सेकंड गर्ल है ऐसा, तो फर्स्ट जो है वो उसको प्रोटेक्ट कर रही है, सेकंड जो है उसे परेशान कर रही है। तो फिर मुझे पता चला कि पता नहीं मतलब मुझे पता नहीं चल रहा आखिर चल क्या रहा है उसके जब वो जाती है उसके साथ, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा और मैं कैसे पीहू को कैसे समझाऊँ, मतलब क्या करूँ, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं हो रहा है। सो बस मैंने आपसे इसीलिए मैं ये बात डिस्कस कर रही हूँ, क्या आप लोगों के बच्चों के साथ भी कभी ऐसा हुआ है जब वो नया नया स्कूल जाना स्टार्ट किए हैं तो लोग उन्हें बच्चे लोग उन्हें परेशान करते हैं क्योंकि अभी वो फर्स्ट टाइम स्कूल गई है, उसे कुछ पता भी नहीं है, कोई परेशान करे कुछ कहे तो आपको क्या रिप्लाई देना है, कैसे आंसर करना है, ये सारी बातें भी उसको अभी नहीं पता है। सो वो मतलब परेशान हो जाती है, बाकी स्कूल में तो उसका अच्छा परफॉर्मेंस है, अच्छा वो कर रही है और यही है। तो मुझे लगा आपसे मैं डिस्कस कर लेती हूँ व्लॉग के बीच में ही, तो चलो अभी आप व्लॉग एंजॉय करो और फिर मेरे क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देना कि मतलब कैसे मैं कैसे डील करूँ इस चीज़। सैलेड कट गया है, मैंने इधर राजमा भी बना लिया है, इधर इसको रख देती हूँ।
राइस मैंने यहाँ पे जीरा राइस छौंक दिया है एंड ये मेरी पनीर की सब्जी भी बन गई है। अभी मैंने यहाँ पे रायता बनाने के लिए ये देखिए ये डाला है, तो इसको भी मैं इधर साइड रख देती हूँ। सो गुड इवनिंग वर्मा जी। गुड इवनिंग। हेलो। यहाँ पे वर्मा जी कुछ रूम वूम ठीक कर रहे हैं एंड मैंने ड्रेस चेंज कर ली है। मैं शाल लेकर के आई हूँ, मैंने पहना है ये वन पीस फ्रॉक एंड आईफोन से रिकॉर्डिंग हो रही है व्लॉगिंग। आप लोग सोच रहे होंगे बार बार आईफोन आईफोन बोल रही हूँ, एक्चुअली मैंने किया नहीं है ना आईफोन से व्लॉगिंग, इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ। हाँ, नया नया चीज़ है इसीलिए तो थोड़ा सा मैं मेकअप कर लेती हूँ, लिपस्टिक वगैरह लगा लेती हूँ, अभी जस्ट बस नहा के आई हूँ। तो चलो। सो गाइस, मैंने जरा सा मेकअप किया है, मेकअप क्या बस कॉक पैक लगाया है एंड लिपस्टिक लगा ली है, दैट्स इट। और अभी सब तैयार हो गया है, डिनर हमारा तैयार है। एक्चुअली वर्मा जी के ऑफिस के कुछ फ्रेंड और उनकी वाइफ आ रही हैं, मतलब एक ही फ्रेंड और वाइफ आ रहे हैं, और यहाँ बैठे हैं पीहू एंड पीहू के डैडी, और ये ऑल ओवर हमारा रूम है। चले गए हैं और मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। एक्चुअली मेरे लोग हमारे घर आए थे तो मुझे भी थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा था कि मैं क्या व्लॉग करूं, सो मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। और वो लोग गए हैं, वर्मा जी नीचे छोड़ने गए हैं, फिर उनको नींद आ रही थी इस वजह से फिर मैंने मैं नीचे नहीं गई। और मैंने यहाँ सब कुछ बर्तन क्लीन करके रख दिया है और बहुत सारा खाना बच गया यार, जब भी कोई आता है ना तो खाना बच ही जाता है। आप लोग बताइएगा। हाँ बेटा। तो चलो अभी हम मिलेंगे कल आपसे सीधे, अभी लेट बहुत ज़्यादा हो गया है। गुड नाइट। ये देखिए दोस्तों, ये हमारी भूत आ गई है, भूत का कार्टून देखने लगी है आजकल की। तो गुड मॉर्निंग, अभी सुबह का टाइम है, पीहू शार लेकर के आई है और भूत बनी हुई है। ये देखिए दोस्तों, भूत। चलो हेयर वॉश। आज पीहू ने हेयर वॉश किया है, अच्छे से नहाया है, क्योंकि सुबह जब स्कूल जाती है पीहू तो सुबह बढ़िया से नहा नहीं पाती है। सो गाइज़, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया मौसम हो रहा है, बारिश आने वाली है, एकदम से बहुत तेज़ हवा चल रही थी, सो मैंने रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया और इतना अच्छा वेदर लग रहा था कि मुझे लगा आप लोगों को भी दिखाती हूँ। देखिए कितनी तेज़ हवा चल रही है और हवा के साथ साथ थोड़ी ही देर में बहुत तेज़ पानी आ गया था। कभी भी बारिश आती है, कभी एकदम से थम जाती है, मुंबई में ऐसा ही वेदर चल रहा है। आई होप आज के व्लॉग को आपने इन्जॉय किया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, ये मौसम अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। एंड इंडियन ब्लॉगर बुलबुल के चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छे अच्छे व्लॉग्स वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए फिर इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं फिनिश कर देती हूँ, इस उम्मीद के साथ कि ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा।